गुड मॉर्निंग क्लास, वी आर गोइंग टू कंटिन्यू आवर चैप्टर चैप्टर 10, रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस। नाउ टुडे आवर टॉपिक इज सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। बॉयज, दे बिगिन टू ग्रो फेशियल हेयर, दैट इज मोस्टैक एंड बियर्ड। दे बिगिन टू ग्रो फेशियल हेयर दैट इज मोस्टैक एंड बियर्ड, मतलब लड़कों की क्या होती है, दाढ़ी निकलना शुरू हो जाती है, मूंछें निकलना शुरू हो जाती है। The hairs also begin to grow on the chest, under the arms and the region above the thigh or the pelvic regions. जो hairs हैं वो grow करते हैं chest पर, arms में, under the arms and above the thigh or the pelvic regions. Same girls में भी the hair grow on the chest, under the arms and the region above the thigh or the pelvic regions. Breast begins to develop. Role of hormones in initiating reproductive functions. There are the many endocrine glands and ductal gland in the body. बहुत सारे glands हमारी body के अंदर हैं और ductal glands भी हमारी body में हैं. The testes and ovaries secrete sex hormones. जो ovaries हैं और secretes जो हैं वो sex hormones को secrete करना शुरू कर देते हैं. The sex hormones are under the control of hormones from the pituitary gland. जो सेक्स हार्मोन सिक्रीट होते हैं वो कंट्रोल में रहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के। द पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रीट्स मैनी हार्मोन्स। जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो सिक्रीट्स करती है बहुत सारे हार्मोन्स को, वन ऑफ विच मेक्स ओवा मैच्योर इन द ओवरीज। जिसमें से एक हार्मोन जो है वो क्या करता है, ओवा को मैच्योर करता है। मैच्योर मीन्स के किसी चीज़ को डेवलप करना, जैसे कि हम भी बड़े होते हैं तो हम भी मैच्योर होते हैं, ऐसे ही जो हॉर्मोन्स है पिट्यूटरी ग्लैंड का वो भी क्या करता है, ओवा को मैच्योर करता है ओवरीज में एंड स्पर्म फॉर्म करता है टेस्टीज में। ठीक है, ये काम पिट्यूटरी ग्लैंड्स का ही है, उसमें से एक हार्मोन निकलता है जो कि मैच्योर करता है ओवा को ओवरीज में एंड स्पर्म्स को टेस्टीज में। हार्मोन्स फ्रॉम पिट्यूटरी स्टिमुलेट टेस्टीज एंड ओवरीज टू रिलीज टेस्टेरोन इन मेल एंड एस्ट्रोजन इन फीमेल। टेस्टोस्टेरोन जो है वो मेल में रिलीज़ होते हैं एंड एस्ट्रोजन जो है वो फीमेल में रिलीज़ होते हैं। ये हॉर्मोन्स हैं रिलीज्ड इन द ब्लड स्ट्रीम एंड रीच इन द पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ये रिलीज्ड होते हैं ब्लड स्ट्रीम में और रीच द पार्ट्स इन द ऑफ द बॉडी, उसी पार्ट्स में बॉडी के जाते हैं जहाँ इनका टारगेट साइट होती है। स्टिमुलेट चेंजेस इन द बॉडी एट ऑनसेट ऑफ पुबर्टी। पुबर्टी में जो ये चेंजेस होते हैं ये आपके पुबर्टी के अंदर ही चेंजेस आते हैं, जो सारे हार्मोन सिक्रेट होना ये सब आपके पुबर्टी में ही होते हैं। द चेंजेस विच अकर्स एट एडोलेसेंस आर कंट्रोल्ड बाय केमिकल सब्सटेंसेस कॉल्ड हार्मोन्स। जो चेंजेस हैं एडोलेसेंस में वो कौन कंट्रोल करता है, केमिकल सब्सटेंसेस उन्हें बोलते हैं हार्मोन्स। जो एडोलेसेंस में चेंजेस हैं उनको कंट्रोल करता है हमारा हार्मोन्स। हार्मोन्स आर सिक्रीशन फ्रॉम एंडोक्राइन ग्लैंड्स। हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है एंडोक्राइन ग्लैंड से। बॉयज़ में द टेस्टिस बिगिंस टू रिलीज मेल हार्मोन और टेस्टेरोन। जो टेस्टिस है वो स्टार्ट हो जाती है रिलीज करना मेल हार्मोन्स और टेस्टेरोन। देयर कॉजेज हेयर ग्रोथ। ये क्या कॉज करता है, हेयर ग्रोथ कॉज करता है। गर्ल्स, द ओवरीज बिगिंस टू प्रोड्यूस द फीमेल हार्मोन्स और एस्ट्रोजन विच मेक द ब्रेस्ट डेवलप्ड। जब ओवरीज बिगिंस टू प्रोड्यूस, जब ओवरी तैयार हो जाती है प्रोड्यूस करने के लिए फीमेल हार्मोन्स को या एस्ट्रोजन को, जब वो क्या होते हैं ब्रेस्ट जो है वो डेवलप्ड होना स्टार्ट हो जाते हैं। मिल्क सिक्रेटिंग ग्लैंड एंड मेमोरी ग्लैंड्स डेवलप इनसाइड द ब्रेस्ट। मिल्क सिक्रेट करने वाली ग्लैंड और जो मेमोरी ग्लैंड्स हैं वो डेवलप्ड हो जाती है इनसाइड द ब्रेस्ट। द प्रोडक्शन ऑफ दीज हार्मोन्स इज अंडर द कंट्रोल ऑफ अनदर हार्मोन इन एंडोक्राइन ग्लैंड कॉल्ड पिट्यूटरी ग्लैंड। जो इन हार्मोन्स को कंट्रोल करती है वो कौन सी ग्लैंड करती है, पिट्यूटरी ग्लैंड कंट्रोल द प्रोडक्शन ऑफ दीज हार्मोन्स। मेंस्ट्रुएशन, व्हेन फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर द रिलीज्ड एग एंड द थिकेंट लाइनिंग ऑफ द यूटेरस अलोंग विद इट्स ब्लड वेसल्स आर शेव्ड ऑफ। द कॉज इज ब्लीडिंग इन वुमेन विच इज कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन। जब फर्टिलाइजेशन अकर नहीं करता है तो एक द रिलीज्ड एग एंड थिकेंड लाइनिंग ऑफ द यूटेरस अलॉन्ग विद इट्स ब्लड वेसल्स आर शेड ऑफ। तो उसकी वजह से क्या होता है, जो यूटेरस होता है उसमें जो ब्लड वेसल्स हैं वो शेड ऑफ हो जाती हैं, जिसकी वजह से ब्लीडिंग कॉज होती है फीमेल में, उसी को बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन अकर करती है 28 डेज में या फिर 30 डेज में इन एवरी मंथ इन गर्ल्स।
मीनार के आता है, मीनार के। मीनार के क्या होता है आपका, मीनार के है जो फर्स्ट फ्लो होता है मेंस्ट्रुएशन का, वो कहलाता है मीनार के। एट 45 to 50 ईयर्स ऑफ एज द मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप। जब एज होती है 45 या 50 की, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो क्या हो जाती है, वो स्टॉप हो जाती है, रुक जाती है। मेनोपॉज, मेनोपॉज स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन इज टर्म एट मेनोपॉज। जब स्टार्ट होती है मेंस्ट्रुएशन दैट कॉल मेनार्के, और जब वो स्टॉप हो जाती है दैन इट इज़ कॉल्ड मेनोपॉज। पॉज है लास्ट में, इट्स मीन द स्टॉप ऑफ मेंस्ट्रुएशन। इनिशियली मेंस्ट्रुअल साइकिल में भी इरेगुलर, इट टेक्स सम टाइम टू बिकम रेगुलर। मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर भी है एंड समटाइम्स इट टू बिकम रेगुलर। स्पेशल केयर फॉर गर्ल्स, गर्ल्स शुड टेक स्पेशल केयर ऑफ क्लीनलीनेस ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मेंस्ट्रुअल फ्लो। गर्ल्स शुड टेक स्पेशल केयर ऑफ क्लीनलीनेस ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मेंस्ट्रुअल फ्लो। गर्ल्स को बहुत स्पेशल केयर करनी होती है, क्लीनिंग करनी होती है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मेंस्ट्रुअल फ्लो। दे शुड कीप ट्रैक ऑफ देयर मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड बी प्रिपेयर्ड फॉर वन सेट ऑफ मेंस्ट्रुएशन। हाउ इज द सेक्स ऑफ द बेबी डिटरमाइंड, कैसे पता चलता है बेबी का सेक्स, बॉय और गर्ल। क्रोमोसोम्स, इनसाइड द फर्टिलाइज्ड एग और जाइगोट इज इंस्ट्रक्शन फॉर डिटरमाइनिंग द सेक्स ऑफ द बेबी। फर्टिलाइज्ड एग और जाइगोट इज इंस्ट्रक्शन ऑफ डिटरमाइनिंग द सेक्स ऑफ द बेबी। दिस इंस्ट्रक्शन इज प्रेजेंट द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमोसोम्स। डिटरमाइन करता है, और वो इंस्ट्रक्शन जो है वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, क्रोमोसोम्स में। दीज क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एवरी सेल। ये क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस के अंदर। ऑल ह्यूमंस हैव 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स इन द न्यूक्ली ऑफ देयर सेल्स। 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस में। सेक्स डिटरमिनेशन इन ह्यूमन, ह्यूमन में जो क्रोमोसोम्स होते हैं, मेल में एक्स वाई और फीमेल में एक्स एक्स जो क्रोमोज, जो आपके सेल डिटरमिनेशन है ह्यूमंस में, वो एक्स एक्स मेल में है और एक्स वाई मेल में है एंड एक्स एक्स फीमेल में है। टू क्रोमोसोम्स आउट ऑफ 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स आर सेक्स क्रोमोसोम्स, दे आर नेम्ड एज एक्स एंड वाई। टू क्रोमोसोम्स हैं आउट ऑफ 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम में से, उन्हें बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स। उनके नाम हैं एक्स एंड वाई। फीमेल में दे हैव टू एक्स क्रोमोसोम्स, फीमेल में दो एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं और मेल में वन एक्स एंड वन वाई क्रोमोसोम्स। फीमेल के जो दो क्रोमोसोम्स होते हैं वो दोनों एक्स होते हैं, और जो मेल हैं उनका एक एक्स होता है और एक वाई क्रोमोसोम्स होते हैं। डेवलपमेंट इनटू, इफ द स्पर्म कॉन्ट्रीब्यूट अ वाई क्रोमोसोम्स टू द एग एट फर्टिलाइजेशन, अगर स्पर्म जो है वो वाई क्रोमोसोम्स को कॉन्ट्रीब्यूट करेगा फॉर फर्टिलाइजेशन, तो जाइगोट विल डेवलप इनटू अ मेल चाइल्ड। तो जो जाइगोट है वो किस में डेवलप्ड होगा, एक मेल चाइल्ड में। व्हेन अ स्पर्म कंटेनिंग एक्स क्रोमोसोम्स फर्टिलाइज द एग, द जाइगोट विल हैव टू एक्स क्रोमोसोम एंड डेवलप इनटू अ फीमेल चाइल्ड। जब डेवलपमेंट होगा इनटू बॉय में, बॉय में डेवलपमेंट होगा, तो तब क्या होगा, जब स्पर्म जो है मेल का वो कॉन्ट्रीब्यूट करेगा वाई क्रोमोसोम्स को एग के साथ फर्टिलाइजेशन में, तो जाइगोट क्या प्रोड्यूस करेगा, मेल चाइल्ड। और अगर गर्ल कैसे पता चलेगा, तो गर्ल का पता चलेगा स्पर्म कंटेनिंग करेगा एक्स क्रोमोसोम्स टू फर्टिलाइज द एग, जब तो क्या प्रोड्यूस होगा, डेवलप्ड होगी इनटू अ फीमेल चाइल्ड। ठीक है। हॉर्मोन्स अदर देन सेक्स हॉर्मोन्स, द हॉर्मोन्स सीक्रेटेड बाय द पिट्यूटरी स्टिमुलेट टेस्टिस एंड ओवरीज टू प्रोड्यूस देयर हॉर्मोन्स। द पिट्यूटरी इज अटैच्ड टू द ब्रेन, पिट्यूटरी जो है वो हमारी अटैच्ड है ब्रेन से। अ प्लेटफॉर्म दैट पिट्यूटरी दी, देयर आर अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स इन द बॉडी सच एज थायराइड, पैंक्रियाज एंड एड्रेनल्स। ये सारी ग्लैंड्स जो हैं वो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड्स के अलावा भी, एंडोक्राइन ग्लैंड्स के अलावा भी हमारी और ग्लैंड्स भी हैं, जो कि हैं थायराइड, पैंक्रियाज एंड एड्रेनल। रोल ऑफ हॉर्मोन्स इन कम्प्लीटिंग द लाइफ हिस्ट्री ऑफ इंसेक्ट्स एंड फ्रॉग्स। मेटामॉर्फोसिस, मेटामॉर्फोसिस जो हमने डिस्कस किया था इससे प्रीवियस चैप्टर में, इन इंसेक्ट इज कंट्रोल बाय इंसेक्ट हॉर्मोन्स, ये कंट्रोल होती है बाय इंसेक्ट हॉर्मोन्स से। इन अ फ्रॉग इज कंट्रोल बाय द थ्रोक्सिन, द हॉर्मोन्स द प्रोड्यूस बाय
थायराइड. ये थायरोक्सिन हार्मोन जो है वो थायराइड से प्रोड्यूस होता है. थायरोक्सिन प्रोडक्शन रिक्वायर्स इन द प्रेजेंस ऑफ आयोडीन इन वाटर. थायरोक्सिन की प्रोडक्शन क्यों रिक्वायर होती है, क्योंकि जो आयोडीन है वो प्रेजेंट होता है वाटर में, इसकी वजह से हमें थायरोक्सिन प्रोडक्शन जो है वो रिक्वायर होता है इन द प्रेजेंस ऑफ आयोडीन. इफ़ द वाटर इन विच द टैडपोल आर ग्रोइंग डज नॉट कंटेन सफिशियंट आयोडीन, अगर वाटर में टैडपोल जो है वो सही से आयोडीन कंटेन नहीं करेगा तो टैडपोल कांट बिकम अडल्ट, तो उसकी वजह से जो टैडपोल्स होते हैं वो बड़े नहीं होंगे. तो थायरोक्सिन प्रोडक्शन करता है प्रेजेंस ऑफ आयोडीन इन वाटर, इसलिए रिक्वायर होता है क्योंकि ये आयोडीन को प्रेजेंट रखता है वाटर में. तो ये आयोडीन जो है वो हेल्प करता है टैडपोल्स को अडल्ट में ग्रो करने के लिए. रिप्रोडक्टिव फेज इन लाइफ ऑफ लाइफ इन ह्यूमंस. इन फीमेल द रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ लाइफ बिगिंस एट द पुबर्टी एंड जनरली लास्ट टिल द एज ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 45 to 50 ईयर्स. फीमेल में रिप्रोडक्टिव फेज जो है लाइफ साइकिल के वो स्टार्ट होते हैं पुबर्टी में, और उसके बाद जनरली इसका लास्ट क्या हो जाता है 45 to 50 ईयर्स. ऑन ओवम मैच्योर्स एंड इज रिलीज बाई वन ऑफ द ओवरीज वंस अबाउट 28 to 30 डेज. During this period, the wall of the uterus becomes thick so as to receive an egg in case it is fertilized and begin to develop. Nutritional needs of the adolescence. Adolescence is a stage of rapid growth and development. जो adolescence है वो तेजी से बढ़ने वाली हमारी growth है और हमारा development है. The diet for an adolescent has to be carefully planned. जब हम बड़े हो रहे होते हैं तो जो हमारी diet होती है हमें उसको बहुत अच्छे से बहुत carefully plan करना पड़ता है और करना भी चाहिए. द डाइट मस्ट बी अ बैलेंस्ड डाइट. जो डाइट हो वो पूरी तरीके से बैलेंस्ड डाइट हो. आयरन विल ब्लड एंड आयरन रिच फूड सच एज लीफी वेजिटेबल्स चैगरी मैटर्स इटीसी आर गुड फॉर एडोलेसेंस. ये सारी चीज़ें जो हैं जब हम बड़े हो रहे होते हैं तो हमें ये सब चीज़ें खानी चाहिए. जो आयरन रिच फूड होते हैं वो भी हमें खूब खाने चाहिए, वो हमारी न्यूट्रिशनल नीड्स जो होती है एडोलेसेंस में उसको पूरा करता है. बैलेंस्ड डाइट द मील विच इंक्लूड्स प्रोटीन. जो मील जो खाना इंक्लूड होता है प्रोटीन्स में, कार्बोहाइड्रेट्स में, फैट्स में एंड विटामिन्स में इन रिक्वायर्ड प्रोपोर्शंस इज नोन एज बैलेंस्ड डाइट. यही कहलाता है हमारा बैलेंस्ड डाइट. रोटी दाल मिल्क एंड वेजिटेबल्स आर अ बैलेंस्ड डाइट. फ्रूट ऑल्सो प्रोवाइड्स नरिशमेंट. ठीक है. फॉर इन्फेंट्स मदर मिल्क प्रोवाइड ऑल द नरिशमेंट दैट दे नीड. रोटी दाल वगैरह हमारे जो है एक बैलेंस डाइट है हमारी. अगर हम उसको खाएंगे तो उससे हमारी डाइट जो है वो बैलेंस रहेगी और हम अच्छे से ग्रो करेंगे. गॉइटर द डिसीज ऑफ द थायराइड ग्लैंड. ये डिसीज कॉज होती है थायराइड ग्लैंड में. इन द डिसीज द थायराइड ग्लैंड इज नॉट प्रोड्यूसिंग द हार्मोन थायरोक्सिन. अगर गॉइटर होता है तो ये जो आपकी थायराइड ग्लैंड है ये प्रोड्यूस नहीं करती है थायरोक्सिन को. ठीक है. तो गॉइटर एक तरह की बीमारी है. ये जब होती है जब जो थायराइड ग्लैंड है वो हमारी प्रोड्यूस नहीं करती है थायरोक्सिन को. डायबिटीज व्हेन पैंक्रियाज इज नॉट रिड्यूसिंग द हार्मोन्स इंसुलिन. जब पैंक्रियाज जो है वो हार्मोन को रिलीज करना बंद कर देगा उस हार्मोन का नाम है इंसुलिन. इनसफिशियंट क्वान्टिटीज इट इज़ नोन एज डायबिटीज. जब पैंक्रियाज जो है वो रिलीज करना बंद कर देगा हार्मोन्स इंसुलिन तो क्या होगी, एक बीमारी क्रिएट होगी, उस बीमारी का नाम है डायबिटीज. पर्सनल हाइजीन. एवरीवन शुड हैव अ बाथ एटलीस्ट वंस एवरी डे. इट इज़ मोर नेसेसरी फॉर द टीनेजर्स बिकॉज द इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ स्वेट ग्लैंड समटाइम्स मेक द बॉडी स्मेली. अपनी पर्सनल हाइजीन मतलब अपनी सफाई, आपको अपनी बॉडी को वंस एवरी डे मतलब आपको एक बार बात ज़रूर करना चाहिए डेली, क्योंकि जब हम बड़े हो रहे होते हैं तो हमारी जो स्वेट ग्लैंड है वो भी इंक्रीज़ होती है, उसकी वजह से बॉडी में स्मेल आती है. ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी शुड बी वॉश्ड एंड क्लीन एवरी डे. सारे पार्ट्स बॉडी के हमें रोज़ साफ करने चाहिए. इफ़ क्लीननेस इज नॉट मेंटेन देयर आर अ चांस ऑफ कैचिंग बैक्टीरिया इन्फेक्शन. अगर रोज़ अगर हम क्लीननेस नहीं करेंगे तो एक चांस हो जाएंगे किसके, बैक्टीरिया के इन्फेक्शन, मतलब हमारे अंदर इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे अगर हम अपनी सफाई नहीं करेंगे तो. पॉइंट टू रिमेंबर चिप्स एंड पैक्ड और टेनिस स्नैक्स दो वेरी टेस्टी शुड नेवर रिप्लेस रेगुलर मील्स एज दे डू नॉट हैव एडिक्वेट न्यूट्रिशनल वैल्यू. जो चिप्स हैं आपके जो पैक्ड में रहते हैं स्नैक्स वगैरह रहते हैं ये टेस्टी तो होते हैं बट ये हमारे जो मील होता है उसको रिप्लेस कर देते हैं और हम अपना खाना ना खा के इन चीज़ों को खाते हैं तो ये हमारे न्यूट्रिशनल वैल्यू में ऐड नहीं होते हैं.
फिजिकल एक्सरसाइज वॉकिंग एंड प्लेइंग इन फ्रेश एयर कीप्स द बॉडी फिट एंड हेल्दी. हमें फ्रेश एयर में चलना चाहिए, खेलना चाहिए, और वो हमारी बॉडी को क्या रखता है, फिट रखता है और हेल्दी रखता है. ऑल यंग बॉयज़ एंड गर्ल्स शुड टेक वॉक्स एक्सरसाइज एंड प्ले आउटडोर गेम्स. सारे जो यंग गर्ल्स और बॉयज़ हैं उन्हें एक्सरसाइज करनी चाहिए, वॉक करना चाहिए और आउटडोर गेम्स खेलने चाहिए. से नो टू ड्रग्स. जो ड्रग्स है उसको ना बोलना चाहिए. एडोलेसेंस इज अ पीरियड ऑफ मच एक्टिविटी इन द बॉडी एंड द माइंड विच इज़ नॉर्मल पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप. एडोलेसेंस वो पीरियड है जब हमारी बॉडी में बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, हमारा माइंड जो है वो एक नॉर्मल पार्ट होता है ग्रोइंग अप का. सो डोंट फील कन्फ्यूज और इनसिक्योर. तो आपको ऐसा फील नहीं करना चाहिए, ना कन्फ्यूज होना चाहिए, ना आपको अनकम्फर्टेबल होना चाहिए. इफ एनीबडी सजेस्ट दैट यू विल गेट रिलीफ इफ़ यू टेक सम ड्रग. अगर कोई आपसे बोल रहा है, सजेस्ट कर रहा है कि अगर आपको स्ट्रेस से रिलीफ होना है या कुछ होना है तो आप कुछ ड्रग यूज़ कर सकते हैं, जस्ट से नो. आप उनको मना कर दो अनलेस प्रिस्क्राइब बाय द डॉक्टर. इससे अच्छा आप किसी डॉक्टर को दिखाओ अगर आप अपने बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो तो. ड्रग्स आर एडिक्टिव. इफ यू टेकिंग दैम वंस यू फील लाइक टेकिंग दैम अगेन अगेन. ये ऐसी चीज़ है अगर आप एक बार लोगे तो आपका मन करेगा आप इसको बार बार लो. दे हार्म द बॉडी, दे रूइन हेल्थ और हैप्पीनेस. ये हमारी जो बॉडी है उसके लिए नुकसानदायक है और ये हमारी खुशियाँ और हमारी हेल्थ को पूरी तरीके से बर्बाद कर देता है. तो हमें ड्रग्स को नो कहना चाहिए. इफ़ यू हैव एनी मेंटली प्रॉब्लम, इफ़ यू आर डिस्टर्ब, तो यू कैन प्रिस्क्राइब बाय द डॉक्टर. आपको अपने आप को एक डॉक्टर को दिखाना चाहिए, ना कि आप इन चीज़ों की तरफ बढ़ें. कोई सजेस्ट भी करता है तो आप खुद को इतना समझदार बनाओ कि आप अपनी आपको खुद बोलो कि आपको किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाना चाहिए या अपने पेरेंट्स के साथ अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करना चाहिए. ठीक है, दिस इज़ ऑल अबाउट योर चैप्टर रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस. थैंक यू क्लास.